पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टैंडर्ड ड्रिल के लिए नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 डिग्री से 4 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 5 डिग्री से 7 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री से 12 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 13 डिग्री से 16 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टैंडर्ड ड्रिल के नॉर्मल क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री से 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन फिगर। तो स्क्रीन पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिखाया गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हमें पहचानना है कि इसे कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लग गेज, दूसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है साइन बार। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए इमेज को हमें पहचानना था कि किसका इमेज है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइन बार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा साइन बार है, जो एंगल चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड एज रिक्त स्थान। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब टॉलरेंस को बेसिक डायमेंशन के एक तरफ दिया जाता है तो इसे कौन सा टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अपर डेविएशन, दूसरा ऑप्शन है लोअर डेविएशन, तीसरा ऑप्शन है यूनिलैटरल टॉलरेंस, चौथा ऑप्शन है बायलेटरल टॉलरेंस। तो जैसे क्वेश्चन जो कोई भी जॉब के ऊपर टॉलरेंस दो तरीके से दिया जाता है, एक तो प्लस और माइनस दोनों में, या फिर प्लस में रहेंगे या फिर माइनस में। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कौन से एक साइड में अगर टॉलरेंस दिया जाता है प्लस में या फिर माइनस में, तो उस समय उसे कौन सा टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज क्यू स्टैंड फॉर TQM। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें से जो क्यू होता है, TQM में से क्यू का अर्थ क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन क्वालिटी, तीसरा ऑप्शन है क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन है क्विक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट डोज क्यू स्टैंड फॉर इन TQM, TQM में क्यू का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी। जो TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, तो इसमें से क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से कामों के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट की समानता की जांच करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल, मतलब होल की कॉन्सेंट्रिसिटी की चेक करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू चेक प्लेन सर्फेस ऑफ फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, मतलब समतलता और समांतरता के लिए समतल सतहों की जांच करना, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कार्यों में डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब इसके सहायता से हम पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं शाफ्ट का, या फिर कॉन्सेंट्रिसिटी भी चेक कर सकते हैं होल का, या फिर तीसरा ऑप्शन जो था प्लेन सर्फेस, या फिर फ्लैटनेस और पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नोन एज। कॉपर और अलाय के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरेलियम, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरालुमिन और चौथा ऑप्शन है नाइक्रोम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अलाय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नोन एज रिक्त स्थान, मतलब कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लेथ मशीन इट इज पॉसिबल टू टर्न द एक्सेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प ऑफ रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन में एक्सेंट्रिक टर्निंग को रिक्त स्थान की सहायता से टर्निंग संभव है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्जा चक, दूसरा ऑप्शन है लेथ कैरियर, तीसरा ऑप्शन है नर्लिंग टूल और चौथा ऑप्शन है बोथ फोर्जा चक एंड लेथ कैरियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन में अगर हमें एक्सेंट्रिक टर्निंग करना है तो रिक्त स्थान की सहायता से टर्निंग संभव है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ फोर्जा चक या फिर लेथ कैरियर। अगर हमें एक्सेंट्रिक टर्निंग करना है तो एक पहला ऑप्शन आता है फोर्जा चक में हमें एक्सेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आता है कि सेंटर टू सेंटर, मतलब जो एक्सेंट्रिक टर्निंग करना होता है तो उसमें सेंटर ड्रिलिंग करके सेंटर बिटवीन सेंटर में कैरियर के साथ हम टर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECM। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एडवांस मशीनिंग प्रक्रियाओं में ECM का फुल फॉर्म क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट मशीनिंग।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एडवांस मशीनिंग में ईसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग मेथड कैन बी यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ रिक्त स्थान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विधि का उपयोग रिक्त स्थान की मशीनिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कंडक्टर मटेरियल ओनली, दूसरा ऑप्शन है नॉन कंडक्टर मटेरियल ओनली, तीसरा ऑप्शन है सेमी कंडक्टर मटेरियल, और चौथा ऑप्शन है बोथ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर मटेरियल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विधि का उपयोग रिक्त स्थान की मशीनिंग के लिए किया जा सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर मटेरियल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटेनेंस वर्क कैरी आउट ऑन अ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स ब्रेक डाउन और मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड रिक्त स्थान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किसी उपकरण के खराब होने या खराब होने से बचाने के लिए उस पर किए जाने वाले मेंटेनेंस कार्य रिक्त स्थान कहलाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक मेंटेनेंस, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किसी उपकरण के खराब होने या फिर खराब होने से बचाने के लिए उस पर किए जाने वाला मेंटेनेंस कार्य को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द रिमर विच अलाउ द चिप टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड एज रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिमर का वह भाग जो चिप्स को पास होने देता है और कूलेंट को कटिंग एज में प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है, तो उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टैंक, दूसरा ऑप्शन है लैंड, तीसरा ऑप्शन है नेक, और चौथा ऑप्शन है फ्लोट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिमर का वह भाग जो चिप्स को पास होने देता है और कूलेंट को कटिंग एज में प्रवेश करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ बेल ड्राइव द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ द पुली इज द सेम द ड्राइव इज रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि बेल ड्राइव में दोनों पुली के घूमने की दिशा समान होती है तो उसे कौन सा ड्राइव कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओपन बेल ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस बेल ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है ओपन एंड क्रॉस बेल ड्राइव, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ ओपन एंड क्रॉस बेल ड्राइव। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि एक बेल ड्राइव में दोनों पुली के घूमने की दिशा एक ही है तो उसे कौन सा बेल ड्राइव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन बेल ड्राइव। ओपन बेल ड्राइव में दोनों पुली की घूमने की दिशा एक ही दिशा में घूमती है क्लॉकवाइज, और जैसे क्रॉस बेल ड्राइव जो होता है उसमें एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा पुली एंटी क्लॉकवाइज घूमता है क्रॉस बेल ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेरिंग आर कॉल्ड रिक्त स्थान। बेरिंग की एक्सिस के समांतर लगाए गए भार को रिक्त स्थान कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रस्ट लोड, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल लोड, तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक लोड, और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल लोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेरिंग की एक्सिस के समांतर लगाए गए भार को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रस्ट लोड या फिर एक्सियल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एश्योर्स दैट रिक्त स्थान। निरीक्षण निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि रिक्त स्थान। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, मतलब प्रक्रिया नियंत्रण में है, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट मीट स्पेसिफिकेशन, मतलब उत्पाद स्पेसिफिकेशन को पूरा करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी प्रॉब्लम आर सॉल्व, मतलब गुणवत्ता की समस्याएं को हल की जाती है, फिर चौथा ऑप्शन है वर्कर आर मोटिवेटेड, मतलब कार्य जो वर्कर होते हैं उसे प्रेरित करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निरीक्षण निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि रिक्त स्थान, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट मीट स्पेसिफिकेशन, मतलब उत्पादन स्पेसिफिकेशन को पूरा करते हैं, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन दिया जाता है प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसका जो डायमेंशन जो आकार उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड मेथड इज अ वे ऑफ रिक्त स्थान हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। साइनाइडिंग विधि रिक्त स्थान हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका है। तो जो साइनाइडिंग मेथड होता है हीट ट्रीटमेंट का, तो वो कौन से प्रोसेस का उसे कहा जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट का साइनाइडिंग प्रोसेस कौन से इसमें आता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है टेम्परिंग, तीसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग, चौथा ऑप्शन है एनलिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइनाइडिंग विधि रिक्त स्थान हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का एक तरीका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में साइनाइडिंग प्रोसेस आता है। केस हार्डनिंग मतलब होता है सरफेस हार्डनिंग, जिस मटेरियल का कार्बन परसेंट कम होता है उसके ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ दिस लेथ रिक्वायर वेरी हाई स्किल फॉर ऑपरेटर।
इनमें से किस लेथ में ऑपरेटर के लिए बहुत उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी लेथ मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा नॉलेज मतलब हाई वेरी हाई स्किल की आवश्यकता होती है ऑपरेटर को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेंटर लेथ, दूसरा ऑप्शन है कैपस्टन लेथ, तीसरा ऑप्शन है टर्रेट लेथ और चौथा ऑप्शन है ऑल दिस रिक्वायर क्वालिटी ऑल दिस रिक्वायर इक्वली हाई स्किल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इनमें से किस लेथ मशीन में ऑपरेटर के लिए बहुत उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंटर लेथ। सेंटर लेथ में अगर हमें काम करना है तो उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी और स्किल होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम सेंटर लेथ मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ बॉल बेयरिंग प्रिवेंट द बॉल फ्रॉम बबलिंग इंटू ईच अदर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग बॉल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनर रेस, दूसरा ऑप्शन है आउटर रेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ इनर रेस एंड आउटर रेस और चौथा ऑप्शन है केज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग बॉल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बूस्ट बेयरिंग इन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिक्त स्थान। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि बूस्ट बेयरिंग में घूमने वाला शाफ्ट रिक्त स्थान का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग फिट, दूसरा ऑप्शन है रनिंग फिट, तीसरा ऑप्शन है पुश फिट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग फिट। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बुश बेयरिंग में घूमने वाला शाफ्ट रिक्त स्थान का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रनिंग फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ मेटिंग होल इन अ असेंबली। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि वह राशि जिसके द्वारा एक शाफ्ट का वास्तविक आकार एक असेंबली में मेटिंग होल के वास्तविक आकार से कम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस, दूसरा ऑप्शन है इंटरफियरेंस, तीसरा ऑप्शन है अलाउंस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह राशि जिसके द्वारा एक शाफ्ट का वास्तविक आकार एक असेंबली में मेटिंग होल के वास्तविक आकार से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरफियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100 कैपिटल एच 6 स्लैश स्मॉल जी 5 मीन्स दैट द। जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार 100 कैपिटल एच 6 स्लैश स्मॉल जी 5 का अर्थ क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज इज 100 मिलीमीटर, मतलब इसमें जो साइज दिया गया इसे हमें इसका स्पेसिफिकेशन पहचानना है, तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है कि एक्चुअल साइज 100 मिलीमीटर का है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बेसिक साइज 100 मिलीमीटर का है, या फिर तीसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर, मतलब एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच 100 मिलीमीटर का डिफरेंस है, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक साइज दिया गया इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो 100 दिया है इसका मीनिंग क्या होता है जो पूछा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ लेथ इज रिक्तस्थान द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि लेथ बेड के ऊपर स्विंग डायमीटर बेड से मापी गई सेंटर की ऊंचाई रिक्तस्थान होती है, बेड से ऊपर सेंटर तक अगर हमें डायमीटर चेक करना है मतलब साइज चेक करना है तो वो साइज कितना होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ बेड के ऊपर स्विंग डायमीटर बेड से मापी गई सेंटर की ऊंचाई क्या होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस मतलब दोगुना, तीसरा ऑप्शन है 1/2 मतलब आधा और चौथा ऑप्शन है 3 गुना। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द स्विंग डायमीटर ऑफ बेड ऑफ अ लेथ इज रिक्त स्थान द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड, तो क्वेश्चन में जो पूछा था इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस, क्योंकि बेड से जो हम हाइट सेंटर की हाइट गिनते हैं तो उससे 2 गुना हम डायमीटर के जॉब लेथ मशीन पर टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ रिक्त स्थान फिट। एक पॉजिटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस, दूसरा ऑप्शन है इंटरफियरेंस, तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस और इंटरफियरेंस और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक पॉजिटिव अलाउंस हमेशा रिक्त स्थान फिट होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जॉ आर स्टेप्ड, द पर्पज ऑफ दिस स्टेप इज टू रिक्त स्थान। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के
लेथ मशीन की जो जॉ होती है उसके सामने वाला भाग स्टेप में बना होता है, तो इसका इसमें जो स्टेप बना होता है इस स्टेप का उद्देश्य क्या होता है, इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एड अपेयरेंस मतलब उपस्थिति जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वेट कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन हैव इंक्रीज ग्रिपिंग पावर मतलब ग्रिपिंग पावर बढ़ाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है होल्ड लार्ज डायमीटर ऑफ वर्क पीस मतलब बड़े व्यास की जॉब को पकड़ने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ चक के जॉ के सामने वाला भाग स्टेप में बनाया जाता है, तो इस स्टेप का जो उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होल्ड लार्जर डायमीटर वर्क पीस मतलब बड़े व्यास के वर्क पीस को पकड़ने के लिए इसमें जो स्टेप दिया जाता है चक के जॉ में, तो इस जॉ का स्टेप का उपयोग किया जाता है बड़े आकार डायमीटर के जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ रिक्त स्थान फिट, एक नेगेटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, तो जो नेगेटिव अलाउंस होता है उसे कौन से फिट कहा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, दूसरा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फिट और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था अ नेगेटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन मतलब एक नेगेटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट, कौन सा एक कूलेंट की गुणवत्ता नहीं है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट हैज अ हीट अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी मतलब इसमें उच्च ताप अवशोषण गुण होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इट हैज गुड लुब्रिकेशन क्वालिटी मतलब इसमें अच्छी लुब्रिकेशन क्वालिटी होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है इट इज केमिकली एक्टिव मतलब यह रासायनिक रूप से सक्रिय है, या फिर चौथा ऑप्शन है इट हैज अ हाई स्प्लैश पॉइंट मतलब इसमें हाई स्प्लैश पॉइंट होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक अच्छे कूलेंट का गुणवत्ता कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इट इज केमिकली एक्टिव मतलब यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, यह अच्छे कूलेंट की गुणवत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द मिक्स रेशियो ऑफ वाटर सोल्यूबल कूलेंट, दो क्वेश्चन में पूछा गया कि पानी में घुलनशील कूलेंट के मिश्रण अनुपात को निर्धारित करने के लिए निम्न डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हम कूलेंट को उपयोग करते हैं तो उसमें सोल्यूबल ऑयल और पानी का मिश्रण किया जाता है, तो इस पानी और सोल्यूबल ऑयल का मिश्रण को चेक करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिफ्रेक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है रेफ्रेक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोल्यूबल ऑयल और पानी के मिश्रण को चेक करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिफ्रेक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पार्ट ऑफ द कटिंग टूल विच इज ग्रिप्ड इन अ टूल होल्डर इज कॉल्ड रिक्त स्थान, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कटिंग टूल का मुख्य भाग जो टूल होल्डर में ग्रिप होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शांक, दूसरा ऑप्शन है फेस, तीसरा ऑप्शन है फ्लैंक, चौथा ऑप्शन है बॉडी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल का मुख्य भाग जो टूल होल्डर में ग्रिप होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल वर्किंग ऑन अ लेथ व्हाट इज मैंड्रिल यूज फॉर, लेथ पर काम करते समय मैंड्रिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड एक्सटर्नली मशीनिंग पार्ट मतलब एक्सटर्नली मशीनिंग पार्ट को पकड़ने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है टू होल्ड इंटरनली मशीनिंग पार्ट मतलब जो इस मशीन जो जॉब अंदर से मतलब मशीनिंग किया हुआ है इंटरनली पार्ट उसको होल्ड करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू होल्ड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली मशीनिंग पार्ट मतलब वो जॉब जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भागों में मशीनिंग किया हो इस जॉब को पकड़ने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू होल्ड नेदर एक्सटर्नली मतलब इस चौथा ऑप्शन का होता है ऑप्शन मीनिंग होता है मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पार्ट को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ पर काम करते समय मैंडल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू होल्ड इंटरनली मशीनिंग पार्ट मतलब आंतरिक रूप से मशीनीकृत भाग को होल्ड करने के लिए, कोई भी जॉब अगर इंटरनली अगर हम फाइनल कर देते तो उस प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है जो अंदर अंदर से पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हेल्ड इन टेलेस्टॉक इज कॉल्ड अ रिक्त स्थान, टेलेस्टॉक में रखे सेंटर को क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है टेलेस्टॉक में कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड सेंटर, दूसरा ऑप्शन है लाइव सेंटर, तीसरा ऑप्शन है रिवॉल्विंग सेंटर, चौथा ऑप्शन है स्टडी सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टेलेस्टॉक में कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए डेड सेंटर। सेंटर हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड सेंटर जो टेल स्टॉक में लगता है, और दूसरा होता है लाइव सेंटर जो हेड स्टॉक में लगता है, मतलब चक में लगता है। और जितने भी टेल स्टॉक में जो सेंटर लगते हैं उसे पूरे डेड सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप इज रिक्त स्थान। स्टैंडर्ड टेपर टेपर जो सेल्फ होल्डिंग टाइप का होता है, मतलब वो कौन सा स्टैंडर्ड टेपर होता है जिसे सेल्फ होल्डिंग टेपर भी कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोर्स टेपर, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर, तीसरा ऑप्शन है जर्नो टेपर, और चौथा ऑप्शन है पिन टेपर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि द स्टैंडर्ड टेपर विच वन ऑफ द सेल्फ होल्डिंग टाइप, मतलब स्टैंडर्ड टेपर में कौन सा सेल्फ होल्डिंग टेपर है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोर स्टेपर। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, और इसी तरह की डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह के डेली क्लास हम करवाएंगे एग्जाम होने तक, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।